नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं इंडिया साउथ अफ्रीका स्पेशल रणतंत्र। इससे पहले कि मैं ये वाली वीडियो शुरू करूं, आपको बता दूं कि कल यानी 12 तारीख को हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे, यानी उसी दिन जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद जी का। अपने दूसरे चैनल आरजे रौनक पर इसी मौके पर हमने एक वीडियो बनाई, उसे जरूर देखिएगा, पसंद आए तो शेयर भी जरूर करिएगा। ओके लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ, मैंने वहां पे नहीं बताई थी, वो ये कि क्या आप जानते हैं मोहम्मद शमी और स्वामी विवेकानंद जी में क्या सिमिलैरिटी है? एक सेकेंड, चौंकना नहीं है, सोचना है। ये क्या बात करता है यार, सोच के बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। दोनों ने अपने अपने टाइम पर कोलकाता के टाउन क्लब के लिए बॉलिंग ओपन करी है। जी हाँ, 1885 के आसपास की बात है। ईडन गार्डन तब सिर्फ 20 साल पुराना था और कलकत्ता क्रिकेट क्लब और टाउन क्लब के बीच एक क्रिकेट मैच खेला जा रहा था। उस मैच में नरेंद्र नाथ दत्ता, जो कि विवेकानंद जी का स्वामी बनने से पहले नाम था, उन्होंने बॉलिंग ओपन करते हुए कलकत्ता क्रिकेट क्लब के एक ही पारी में 7 विकेट अपने नाम किए थे। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद टाउन क्लब की क्रिकेट टीम से काफी वक्त तक जुड़े रहे। बाद में मोहम्मद शमी, जो कि अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रहे टेस्ट मैच में भारतीय टीम का हिस्सा है, उन्होंने भी टाउन क्लब के लिए क्रिकेट खेली है। शायद ये इसी लेगेसी का नतीजा है कि कल मोहम्मद शमी का एक ओवर इस मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हो गया। एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। पहले दिन साउथ अफ्रीका ने एक विकेट के नुकसान पर 17 रन से आगे खेलना शुरू किया तो उन पर बुमराह का कहर टूटा। अपने कल के स्कोर में साउथ अफ्रीका एक भी रन नहीं जोड़ पाई थी, तभी बुमराह ने मार्करम को आउट कर दिया। हालांकि नाइट वॉचमैन के तौर पर आए केशव महाराज 25 रन बनाकर इंडिया वालों को जबरदस्ती परेशान कर रहे थे, लेकिन उमेश यादव की एक तेज गेंद ने उनके मिडिल स्टंप की पिच से सोशल डिस्टेंसिंग करा दी। फिर क्या हुआ? लेकिन फिर पीटरसन और रसी वंदर दुसे जम गए और लंच तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट पर 100 रन हो गया, इंडिया की पहली पारी के स्कोर से सिर्फ 123 रन पीछे। लेकिन लंच के बाद वाले सेशन में भारतीय गेंदबाजों ने तो दिल जीत लिया भैया। पीटरसन ने एक ओर से मोर्चा संभाले रखा, उन्होंने अपने 50 पूरे किए और पहले रसी वंदर दुसे और फिर बबूमा के साथ बढ़िया पार्टनरशिप भी करी। लेकिन एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर शमी ने इस मैच का रुख पूरी तरह इंडिया की तरफ मोड़ दिया। इसके बाद तो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज ऐसे पवेलियन जाने लगे जैसे यूपी चुनाव से पहले बीजेपी के एमएलए समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। चाय पर जाते जाते अफ्रीका का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 176 था, इंडिया की पारी से 47 रन पीछे, लेकिन पीटरसन 70 रन बनाकर नॉट आउट थे। और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? चाय के बाद इंडिया का पहला फोकस था कि किसी तरह पीटरसन को आउट करें और दूसरा था कि साउथ अफ्रीका को लीड लेने से रोकना है। इन दोनों कामों में जसप्रीत बुमराह इंडिया का ब्रह्मास्त्र बनकर सामने आए। 4 साल पहले केप टाउन के इसी मैदान से जसप्रीत बुमराह ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत करी थी। समय का पहिया पूरा घूमा और बुमराह ने इसी मैदान पर आकर साउथ अफ्रीका की आधी टीम खल्लास कर डाली। उनके 5 विकेट की बदौलत इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 210 पर ऑल आउट करके 13 रन की बढ़त ले ली। जवाब में हमें उम्मीद थी कि हमारे ओपनर्स चौके छक्के उड़ाएंगे, लेकिन उन्होंने हमारी उम्मीदों का मजाक उड़ाया और 24 रन तक आते आते अग्रवाल और राहुल दोनों आउट हो गए। बात ही आपने दिल जलाने वाली बोली। लेकिन कोहली और पुजारा ने अपने एक्सपीरियंस का पूरा प्रदर्शन किया और अभी दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया का स्कोर 57 और लीड 70 रन की कर दी है। बाकी आज का पूरा दिन पॉपकॉर्न लेकर मैच देखने लायक होगा। वैसे हेलो, कल मैंने यूट्यूब पर लाइव भी किया था, आप थे क्या उसमें? आपसे ही पूछ रहा हूं मैं। आज मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं लाइव आऊंगा फिर से, पर सॉरी ब्रो, आज किसी रीजन की वजह से मैं शाम को यूट्यूब पर लाइव नहीं आ पाऊंगा। चीटिंग करता है तू। लेकिन आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना। मैं सोच रहा हूं फेसबुक पर एक लाइव सेशन करते हैं और इंस्टा पे भी, क्या बोलते हो? वैसे ये बताना आप वीडियो देख कहां से रहो, ठीक है? आपसे जल्दी मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। एक सेकंड, आज की वीडियो में बहुआ क्यों नहीं आया? लोग लिखेंगे, देख कॉमेंट में भी, देखना।